बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन के अबाउट जो है वो डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है और उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। प्लस यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम बात करते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है, किस तरह से उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है जी इसकी 1s1। और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद अगर हम बात करें तो H2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 है। मींस 2 हाइड्रोजन के एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए हम बात इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो किस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं जी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो हमारे पास है जी हाइड्रोजन का एटम। इस हाइड्रोजन के एटम में इसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि अपनी नेचर में हाफ फिल्ड है और उसमें मौजूद है जी 1 इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे हमारे पास है जी कोई सेकंड हाइड्रोजन का एटम, उसका भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और उसमें मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पे जनरेट होते हैं। एक को हम नाम देंगे, चूँकि एटॉमिक ऑर्बिटल एस एस लीनियर ओवरलैपिंग होती है, तो एक बनेगा हमारे पास सिग्मा 1s जो कि अपनी नेचर में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और एक उसका करस्पॉन्डिंग बनेगा जी सिग्मा स्टार 1s जिसको हम नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोअर एनर्जी लेवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे। अब फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो हमारा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 1s वो यहाँ पर रहेगा जी एम्प्टी। उसके बाद फर्दर ऑन हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो रिलेटिव एनर्जी होती है, उस रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट हैज़ ग्रेटर एनर्जी, हैज लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार 1s जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जिसको हम नाम दे रहे हैं जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का। और उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास इसी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हम बात करेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का फार्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास हैं 2,
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, डिवाइडेड बाय टू, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 2/2 इज इक्वल टू 1, कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है जी 1। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल आती है जी फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। ये आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन भी है, YHe2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो ये बनता है जी 1s2। उसके बाद आती है जी इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर 2 हीलियम के एटम कंसीडर किए जाए, तो फर्स्ट है जी हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन इट, एंड सेकंड हीलियम का एटम उसका भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनेगा जी हमारे पास सिग्मा 1s, सेकंड बनेगा सिग्मा स्टार 1s। जो हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो हमारे पास होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी वाला है वो होगा जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो टोटल इन 2 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल से हमें मिल रहे हैं जी 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी लेवल, वाइल रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल गो इन हायर एनर्जी लेवल। और उसके बाद हम बात करें तो इनकी आती है जी रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें हमारे पास सिग्मा 1s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एंड सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास है जी 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये भी हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आएगा जी 0। तो इसलिए हम यहां पर कहते हैं HE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि जितने बॉन्डिंग में उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है यहाँ पर चूंकि 0 निकल रहा है, इसलिए HE2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बाद हमारी एग्जांपल आती है जी कि किस तरह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होता है, और उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में किस तरह से जो है वो हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p x1 2p y1 एन 2p z1, टोटल होगा जी 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो 8th इलेक्ट्रॉन होगा वो 2px में आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये आ गया जी फर्स्ट ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास है जी ऑक्सीजन सेकंड एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दीज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड फॉर्म 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल, वन ऑफ विच इज सिग्मा 1s एंड सेकंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल इज सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s जो है ये अपनी नेचर में है जी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार है जी हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। 2+2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन विल गो इन लोअर एनर्जी मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंड सेकंड 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल गो इन हायर एनर्जी लेवल। फर्दर हम बात करें तो हमारे पास है जी
और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ऑक्सीजन एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स SS लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन हाई लोअर एनर्जी लेवल एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल गो इन हायर एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको हम नाम देंगे सिग्मा 2s का, और ये बनेगा जी सिग्मा स्टार 2s का 2s। अब उसके बाद हमारे पास रह जाता है जी 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी 1, 2, 3 2pz, 2py एंड 2px, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हमारे पास है जी कोई सेकंड ऑक्सीजन का एटम 2px, 2py, 2pz, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py1, 2pz1। अब टोटल हमारे पास है जी यहाँ पर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम 2 ऑक्सीजन एटम, तो हमें मिलेंगे जी 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल 2px एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग से हमें मिलेगा जी सिग्मा 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक इसका करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आ गया जी हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आ गया जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बाकी रह गया जी हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ 2py की सेकंड ऑक्सीजन के 2py के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, और उस पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जनरेट होगा जी 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा फॉर्मेशन के बाद ये बनेगा जी पाई 2py, और एक इसका करस्पॉन्डिंग जो है ये बनेगा जी हमारे पास पाई स्टार 2py। अब इसी तरह फर्स्ट ऑक्सीजन का 2pz और सेकंड ऑक्सीजन के भी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे ये हमारे पास आएगा जी पाई 2pz, और एक इसका करस्पॉन्डिंग जो है ये बनेगा हमारे पास पाई स्टार 2pz एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ p ऑर्बिटल एंड 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑक्सीजन एटम ऑफ p ऑर्बिटल, तो टोटल हो गए जी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, बाकी रह गए 6 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया जी थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ इलेक्ट्रॉन। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ऑफ लो एनर्जी, ये फिल हो गए, तो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल गो इन हायर एनर्जी लेवल इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 7th इलेक्ट्रॉन एंड 8th इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये आ गई हमारे पास ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायाग्राम। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायाग्राम से हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी को जो है वो हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी का ऑर्डर आएगा, तो सबसे कम एनर्जी है जी सिग्मा 1s की, फिर उसके बाद है जी हमारे पास ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की, सिग्मा स्टार से ज़्यादा एनर्जी है जी हमारे पास सिग्मा 2s की, सिग्मा 2s के बाद ज़्यादा एनर्जी आ जाती है जी सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ तक होगा फिल, सिग्मा स्टार 2s से ज़्यादा एनर्जी है जी हमारे पास सिग्मा 2px, सिग्मा 2px की एनर्जी कम है, और पाई 2py और पाई 2pz इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी आ गई इक्वल, और ऑनवर्ड इन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस है एज कंपेयर टू पाई स्टार 2py
विच इज इक्वल टू द पाई स्टार 2pg और इन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस है सिग्मा स्टार 2px। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2py और 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2py और पाई 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंड पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन एंड पाई स्टार 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम अगर इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर में हम ये कहते हैं जी कि इट इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। अब पैरा मैग्नेटिक इन नेचर क्यों है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जी यहाँ पर हम बात करेंगे। अब इसी तरह अगर हम बात करें O2 प्लस 2 की, तो O2 प्लस 2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो वो जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो उस वक्त पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz में, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें O2 माइनस 2 की, तो O2 माइनस 2 में ये हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो O2 माइनस 2 का मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो गेन करने के बाद पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में अब आ जाएंगे जी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अब भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसलिए O2 प्लस 2 और O2 माइनस 2 ये दोनों के दोनों हमारे पास जो आयन होंगे ये अपनी नेचर में होंगे जी डाया मैग्नेटिक, कि ये मैग्नेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी अपनी नेचर में होगा जी डाया मैग्नेटिक। सिमिलरली अगर हम बात करें हीलियम के मॉलिक्यूल की, तो हीलियम के मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसलिए हीलियम का मॉलिक्यूल भी अपनी नेचर में होगा डाया मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह इसकी लास्ट 2 एग्जांपल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।